हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा, इसी मंतव्य से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आ रहा है। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें और ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना फाइनेंशियली, पर्सनली और सोशली सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप सर्विस में हैं तो बॉस आपकी फेवर में है, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आप घर में हैं, फैमिली लाइफ में हैं, अगर अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते होंगे अगर आप कुछ गलती भी करते होंगे तो। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ दोनों की आपस में अच्छी बनती होगी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते होंगे। मतलब कहने का ये कि आप कहीं पर भी हो, कैसी हालत में भी हो, भगवान हमेशा आपको छाया में रखेगा, छायादार पेड़ के नीचे रखेगा, धूप में नहीं, धूप आंधी तूफान बारिश में नहीं। आप मगर आपको भी कुछ करना है, आपको ये करना है कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनका पूरा मान सम्मान करना है, उनके प्रति जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको करना है, उनके लिए समयबद्ध ढंग से उनकी सेवा का अपना लाइफ लॉन्ग अनुष्ठान बनाना है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है आप प्रोटेक्टेड तो हैं मगर नेक्स्ट एनर्जी है आपके अंदर, एक जो गुण है उस गुण को कभी ना छोड़ना और उस गुण को अच्छे ढंग के लिए, अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे काम के लिए और अधिक डेवलप करना। और वो गुण है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कि जो आप में एक नेतृत्व करने का गुण है उस गुण को अधिक से अधिक संभाल के रखिएगा, प्लस उसको और रिफाइन करने का, उसे रिफाइंड करने का अधिक उसे पैना बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, आप में है, आप निडर हैं, निर्बाध गति है, जीवन में कुछ करना चाहते हैं पर बड़ा करना चाहते हैं, छोटा नहीं। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो विजडम है वो बहुत बड़ी है, जो आपको बहुत जीवन में आगे तक लेके जाने वाली है।
इसके बाद की जो एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि अगर आपको अपने क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को और अधिक बढ़ाना है और अधिक उसमें शोधन करना है, शोधन करने का मतलब कि उसमें और उसे रिफाइंड करना है, उसे रफ नहीं रखना है और अधिक पैना करना है, तो आप जिन ऐसी सोच या कुछ ऐसी परिस्थिति में आप अगर अपने आप को जकड़न में पा रहे हैं, किसी ऐसी बात से आपका मन जो है वो बोझिल हो जाता है, कोई बात अगर अपने मन पे ले रखी है या किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करें? आप ये करें, वो एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो एनर्जी जो आपके लाइफ में और आपके लाइफ के जो आपका पर्पस है उसमें ऑब्स्टेकल बन रही है, उसको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दीजिए, हटा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आगे बढ़ना ही आपके जीवन को सफल बनाएगा, क्योंकि आपने बहुत दूर तक की जीवन की पारी खेलनी है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी में कम्युनिटी की सेवा करनी है, अपने समाज की सेवा करनी है, कम्युनिटी की सेवा करनी है, और ऐसे लोगों की सेवा ज़्यादा करिएगा जो बहुत नीडी हैं, जिनको एक्चुअल में हेल्प की आवश्यकता है, उनकी मदद जरूर और तत्परता से करिएगा, तत्परता से करिएगा, ताकि जो आप सेवा करें और जैसी आप सेवा करें वो पर्यायवाची बने। जैसे एक शब्द के हम पर्यायवाची लिखते हैं ना, कई अर्थ लिखते हैं, तो आपकी सेवा को सेवा के पर्यायवाचियों में आपका नाम आए। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इस तरह सेवा करें तो आपको ऐसा नेम एंड फेम मिलने वाला है। इससे बड़ी बात क्या होगी, पर्यायवाचियों में आपका नाम होगा। जैसे एक नाम के आगे हम कई पर्यायवाची होते हैं ना, ये मीनिंग, तो उसमें अगर किसी बात का मीनिंग हो तो उसमें आपका नाम भी होगा, कि आपका नाम का पर्याय मतलब ये। मान लीजिए आप लड़की हैं तो ममता, सेवा में ममता का भी एक वो हो गया, या कुछ और नाम है, अशोक कुमार नाम है, तो सेवा में अशोक कुमार पर्यायवाची सेवा, तो इस तरह आपका नाम होगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, स्टार्टिंग जो है, आरंभ जो है, प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है, उसको छोटे स्केल से करिएगा, धीरे 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 उसे बड़ा करते जाइएगा। यही इस कार्ड का अर्थ आ रहा है। इसके बाद हर काम को आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए करिएगा, लेकिन रास्ता गलत नहीं अपनाना है, सोच बड़ी करनी है, सोच बड़ी करनी है, रास्ता सही रखना है। किसी कार्य को कोई अगर डिले होता है तो होने दीजिए, सहज पके सो मीठा होए, तो बिना किसी परेशानी के अपने काम में लगे रहिए और बड़े सॉलिड होकर के काम को करिएगा। इसके बाद आप
घर हो, बाहर हो, सोशल लाइफ हो, एक्शन में रहिएगा। लथार्जिक होकर कभी मत बैठिएगा, हमेशा एक्शन में रहिएगा, कभी लथार्जिक मत होइएगा, कभी आलस में आके बैठिएगा नहीं, हमेशा एक्शन में रहिएगा और पूरे आत्मविश्वास से काम करिएगा। अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखते हुए, आपके जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके जो प्रोटेक्टर हैं उन पर पूरा भरोसा रखते हुए, जब भी आप किसी काम को करेंगे तो उस काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसमें किसी भी प्रकार का आपके लिए कोई भी बाधा नहीं होगी, निर्बाध गति से आप कार्य को करेंगे। हरि ओम नारायण हरि। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किए जरूर कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, फैमिली में, और आप बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपका बर्थ चार्ट हो या टैरो कार्ड रीडिंग है, तो वो भी होती है और मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। और पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, उसके नियम आपको आप मैसेज करेंगे तो बता दिए जाएंगे। हरि ओम नारायण हरि।